आइसोमेरिज्म, टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप लोग मेरे को बताओ कि आइसोमेरिज्म सबसे टफेस्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है या नहीं है? अगर रियल में है तो बताओ, और अगर नहीं है तो बताओ नहीं है। गाइस ये वो चैप्टर है जो हर बच्चे की एक दुखती रग है, समझ रहे हो? हर बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आती है। आप जब 11th क्लास में होते हो तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई करते हो, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको समझ में नहीं आता कि कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ रहा है कब ज्योमेट्रिकल आ रहा है। फिर आप सोचते हो चलो ठीक है, अब पीछे छूटा, आप 12th क्लास में आ गए, अब तो वो चैप्टर नहीं आएगा, अब तो कुछ नया पढ़ेंगे। फिर आप कुछ नया पढ़ना शुरू करते हो, और जब नया पढ़ना शुरू करते हो तो वहां पे जब आप उस क्वेश्चन के टोटल प्रोडक्ट निकालते हो तो कभी आपका आंसर आता है 2, कभी आपका आंसर आता है 3, और टीचर बोलता है कि आंसर आएगा 14, आंसर आएगा 12, आंसर आएगा 10। आप सोचते हो ये कैसे हो गया। बात समझ आ रही? तो वो बताता है कि इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी लगेगा, इसमें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी लगेगा। तो आपको लगता है अरे यार शिट, फिर से आ गया चैप्टर। वेलकम गाइज, माई सेल्फ मुरलीकृष्ण बैरागी, और आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर जी एडवांस, जी मेन्स एंड नीट एग्जामिनेशन। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस चैप्टर को जो कि सबसे टफ है उसको सबसे इजी बना पाऊं, और आपको शानदार तरीके से इस पूरी सीरीज में हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट को समझा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। चलिए शुरू। सबसे पहले हमारे सामने एक नाम आता है आइसोमर, है ना? आइसोमर नाम आता है, तो ये आइसोमर क्या होता है या नहीं होता है इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जो आइसोमर है उसको आने के लिए इस चैप्टर में आपकी थोड़ी कमांड बने, उसके पहले आपको थोड़ा सा आईपीएससी आना चाहिए। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हल्का फुल्का आईपीएससी हम सबको आता है, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट हम क्लास 10th में ही पढ़ लेते, तो कोई खास में दिक्कत नहीं आती है, तो आराम से मैनेज कर लेंगे। तो आपको हल्का फुल्का आईपीएससी आना चाहिए, अगर नहीं आता तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, और मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे आपको हर एक चीज बताते हुए चलूँ। तो आप अगर नहीं भी पढ़ के आते हो फिर भी आपको अराउंड 90% तो समझ में आ जाएगा। शुरू करें, आ जाओ फोड़ते हैं इसको। देखो आइसोमर क्या होता है नहीं पता, एक काम करते हैं मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ, C2H6O1, और मैं आपसे बोलूँ कि आपको फटाफट रफ कॉपी और पेन निकालनी और C2H6O1 के जितने भी स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं सारे बनाने। शुरू जाओ फटाक से, C2H6O1 के कितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो। आप वीडियो को पॉज करना, स्ट्रक्चर्स बनाना, और उसके बाद मेरा वाला आंसर देखना कि जो मेरा आ रहा है वो आपका आ रहा है, कुछ और भी आपका आ रहा है। अगर कुछ और भी आ रहा है तो मेरे को बता देना, ठीक है मैं बना दूं। चलो भाई शुरू करते हैं फटाफट। तो C2H6O1 के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देता हूँ, और यहाँ पे सी। काउंट कर लो फटाफट, 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, बन सकता है, पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट मैं और क्या बना सकता हूँ, और मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ कि यहाँ पे CH3 करूंगा और यहाँ पे CH2 करूंगा और यहाँ पे मैं OH करूंगा, ये पॉसिबल है या नहीं है? अब दो स्ट्रक्चर पॉसिबल, और आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो कंपाउंड इसको हम ईथर बोलते हैं, हम आईपीएससी में पढ़ते हैं कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज को हम ईथर बोलते हैं, वही कार्बन वहीं पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो लिंकेज कार्बन के साथ होता है, मतलब OH ग्रुप जो होता है उसको हम एल्कोहल बोलते हैं, शराब हम बोलते हैं ना, दारू, हाँ वही चीज है, एल्कोहल, एल्कोहलिक, राइट। और ये हो गया आपका कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ईथर। अब ये हमने देखा, अब देखो एक पॉइंट समझते हैं। मान लो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि भाई आपको C2H6O1 के स्ट्रक्चर्स बताने हैं, तो आप बोलोगे सर ये अल्कोहल बनेगा ईथर बनेगा। फिर मैं आपसे पूछूं कि अल्कोहल और ईथर दोनों सेपरेट सेपरेट कंपाउंड है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है, दोनों सेम कंपाउंड है, तब आप क्या बोलोगे? फटाफट दिमाग लगाओ, तब तक मैं इसको बना लेता हूँ। CH3CH2OH और CH3OCH3 दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है या दोनों सेम कंपाउंड है, आपको ये मुझे सोच के बताना है, और इसका आंसर आएगा डिफरेंट कंपाउंड। आपको डिफरेंट दिख भी रहा है लेकिन आपका मन मान नहीं रहा होगा, आपको लगा होगा कि यार दोनों में तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है, तो डिफरेंट कैसे हुआ? डिफरेंट ऐसे हुआ कि आप इसको गर्म करो, आपको समझ में आएगा कि एक जो है उसको गर्म कर रहे हो उसका बॉइलिंग पॉइंट दूसरे वाले के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा आ रहा है, एक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे वाले केस से ज्यादा बढ़ रहा है, और अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा आप गर्म करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आपके ईथर से था बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो बॉइलिंग पॉइंट देखना आता ही नहीं है, और सर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये भी हम नहीं जानते। कोई बात नहीं, हमारे पास एक सेकेंड तरीका इन दोनों को पता लगाने का। आप लैब के अंदर बैठे हो, आपको सामने वाले एग्जामिनर ने बोला कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, अब बताओ ये दोनों सेम है डिफरेंट है?
तो आप उनको देखोगे, आपको दिखेगा कि एक रेड कलर का कंपाउंड है और एक कलरलेस कंपाउंड है, तो आप बोल दोगे साफ साफ कि दोनों डिफरेंट है भाई, एक लाल है एक कलरलेस है। मान लो कि दोनों के कलर सेम आ गए, तो फिर क्या करोगे आप उनको स्मेल कर लो ना, आप देख लो कि इसमें स्मेल आ रही है, दारू वाली स्मेल आ रही है नहीं आ रही है, और इसमें नहीं आ रही है, तो दोनों की स्मेल डिफरेंट है। तो आप इन कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है C2H6O1, बट आप उसको स्मेल करके, आप उसको आंखों से देख के, आप उसको गर्म करके, आप उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट निकाल के, आप उन तरीकों से पता लगा सकते हो कि दोनों कंपाउंड सेम है या डिफरेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, दोनों कंपाउंड जिस फॉर्मूला से बन रहे हैं वो फॉर्मूला सेम है। दोनों कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, बट दोनों कंपाउंड्स के नेचर डिफरेंट है। आप देख रहे हो, बच्चों को समझ में नहीं आता कई बार कि सर ऐसे कैसे नेचर डिफरेंट हो जाता है। आप एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अरे सर इतना फर्क पड़ जाता है, इतना फर्क लिटरली। यस, आप ऐसे देखोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और बी में क्या डिफरेंस है। ए और बी में डिफरेंस हल्का सा है कि ए में ऑक्सीजन कॉर्नर की तरफ है जबकि बी में ऑक्सीजन बीच में आ गया। तो ऑक्सीजन की लोकेशन को हल्का सा चेंज करने से एक आपका दारू बन गया और एक आपका ईथर। डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस, एंड दिस होल फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बस सुन आ रही, तो इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे सर ये आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन तो बता दो, मतलब आपने समझा दिया ठीक है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन ये होगी कि कोई भी दो कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लाइक C2H6O1, लेकिन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक कलर, स्मेल, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो डिफरेंट हो। भाई दोनों का फॉर्मूला सेम आ रहा है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों की स्मेल अलग आ रही है, वो डिफरेंट कंपाउंड होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, उनको हम आइसोमर्स बोलेंगे। और इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, फील आ रही है बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पे रटी रटे लाइन को नहीं याद करना है, हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में जाना है, पूरा समझना है कि एक बात को कि क्या इसका मतलब है, क्या इसका मतलब नहीं है। सिंपली किताबों की लाइनों को घोटने से कुछ नहीं होगा, जब तक फील नहीं आएगा तब तक हम नहीं पढ़ने वाले, या किताबों को फाड़ के हम क्यों ना फेंकते। ठीक है, तो अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं फटाक से एक बार। तो डेफिनेशन क्या बनी, डेफिनेशन क्या बनी बताओ, दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग व्हाट, which are having same molecular formula, मैं इसको यहाँ पे highlight कर रहा हूँ, which are having same molecular formula, बच्चों ये that is the main keyword, which are having same molecular formula but having what, having different physical and or chemical properties, मतलब ऐसे compounds जिनका molecular formula same हो लेकिन उनकी जो properties है, चाहे वो physical properties हो, जो उसके appearance है, जो color है, या फिर उसकी chemical properties हो, chemical reactivity हो, वो different हो, है ना, chemical properties, ऐसे compounds हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स। कैटिंग में पॉइंट गाइस, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे दो कीवर्ड है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। दो कीवर्ड कौन से, देखो हमें पॉइंट समझना है कि हमें ना एकदम चीजों की पूरी फील आनी चाहिए, और फील आने के साथ साथ हमें उसको ना पूरा दिमाग में हमेशा के लिए घर करा के छोड़ना है, ताकि आपको हमेशा के लिए समझ में आए कि हाँ इसको हम बोलते हैं। तो कुल मिला के दो बातें, पहली बात सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरी बात डिफरेंट फिजिकल और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। Those compounds are known as isomers, and this whole phenomena is known as isomerism. Pasand aa gayi? Having different physical and chemical properties, they are known as isomers, and this whole phenomena is known as. Getting my point, guys? Bolo hai na फटाफट। अगर आपको समझ में आ गया तो फटाक से कमेंट कर देना, ताकि मेरे को समझ में आ जाए कि कौन कौन से बच्चे सीरियसली इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। और अगर आप यहाँ तो उसको देख रहे हो तो आप काफी सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई और नीट के लिए, और अगर आपने ऐसी पूरी सीरीज को फॉलो किया तो यकीन मानना आपका ये सबसे टफ चैप्टर जो पूरी केमिस्ट्री का होता है, ऑर्गेनिक का, वो आपका सबसे इजी होने वाला है।
सबसे इजी आपको लगने वाला है। मेक श्योर कि आप इसके बारे में कमेंट करके बताएं कि आपको यहां तक समझ में आया है नहीं आया, आपको ये याद हुआ है नहीं हुआ, और इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं कि डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, और उसके बाद अपन सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर गाइज, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।